फॉर नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज, यानी पीरियडिक टेबल को जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या-क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं व्हाइल गोइंग आउट थ्रू देयर ग्रुप्स एंड पीरियड। तो जैसा हमें पता है दैट जो पीरियडिक टेबल है हमारा उसमें ग्रुप एंड पीरियड, जो वर्टिकल है वो ग्रुप है और जो हॉरिजॉन्टल है वो पीरियड्स है। तो यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज दी गई है, जैसे कि हम ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मीन्स जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो सेम रहते हैं। तो जैसे कि सब सेल्स नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं लेकिन सब सेल्स इंक्रीज होती है, जैसे वैसे मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है उसका साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है उसका मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एज अ साइज वेरी करेगी। और जब हम बात करते हैं पीरियड की तो हमें पता है कि कंसिक्वेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम पीरियड फ्रॉम लेफ्ट देयर आर वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, बट व्हाइल गोइंग थ्रू राइट दे आर इंक्रीजिंग कंसिक्वेंटली मींस 1 2 3 4 लाइक दैट वे। सो हमें पता चलता है कि जो पीरियड में मूव करता है तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पड़ता है, जिसके वजह से जो कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर बना रहता है और कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को हमने कहा पीरियडिक प्रॉपर्टीज। यहाँ पर लिखा है द गिवन चेंजेस अफेक्ट वेरियस प्रॉपर्टीज विच शो ग्रेजुअल वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड। ग्रुप्स एंड पीरियड्स में जो भी ग्रेजुअल वेरिएशन की वजह से जो भी चेंज आ रहे हैं प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स की आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, मींस एटॉमिक नंबर जब हम चेंज कर रहे हैं या फिर वो ग्रुप को टॉप से बॉटम जाए या फिर पीरियड को लेफ्ट से राइट जाए, एटॉमिक नंबर चेंज कर रहे हैं तब जो प्रॉपर्टीज आ रही है एलिमेंट में और चेंज होने से ग्रुप एंड पीरियड, तो उसे हमने कहा गया पीरियडिक प्रॉपर्टीज। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक साइज वो कैसे वेरी करती है, क्या एक प्रॉपर सीक्वेंस है स्टडी करने का एटॉमिक साइज के वेरिएंस को। एटॉमिक साइज इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड एटम। ओके, तो एटॉमिक एटम है जो एटम वो हम ड्रॉ कर देते हैं, एक मिनट वी हैव तो जैसा हमें सब पता है एटॉमिक साइज में जो न्यूक्लियस का सेंटर है उससे लेकर आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है उसे कहा गया एटॉमिक रेडियस। ओके, तो हम देखेंगे थोड़ा पढ़ के, वी हैव फोटोग्राफ्स एंड ऑल। तो ये हो गया, हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की कॉन्फिगरेशन होती है 2.6, तो ये हो गया न्यूक्लियस जिसमें है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो कि हो गए हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये हो गई सेल्स इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे बोहर ने हमें जो स्ट्रक्चर दिया था उसके बेस पर हम ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एटम का, ऑक्सीजन का एटम। तो पहला इलेक्ट्रॉन में 2n स्क्वायर मींस देयर आर ईच कैन ऑक्यूपाई ओनली 2 एटम्स इन द फर्स्ट शेल। तो नेक्स्ट आता है 6, तो यहां पे हम दो और एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन और एक हम ले लेते हैं आर्गन जिसका है 18, आर्गन का ले लेते हैं, इजी होगा एक्सप्लेन करना। आर्गन का 18 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया हमारा 2 8 18, तो देयर विल बी 2 एटम्स इन फर्स्ट, 8 एटम्स इन सेकंड, 4 5 6 7 8, एंड देयर विल बी 18 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। दूसरा ऑब्जर्व कि इसकी साइज छोटी है क्योंकि इसमें दो सेल है, इसकी साइज बड़ी है क्योंकि इसमें तीन सेल है। तो हम एटॉमिक साइज को इससे एक्सप्लेन, ये दो एटम की हेल्प से हम पढ़ेंगे। So atomic size distance from between center of nucleus to the outermost shell of isolated atom. Okay? तो यहां से लेकर यहां तक की जो साइज हुई उसे कहा गया एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। ओके, तो एज अ रेडियस एक सर्कल मानते हैं, यहां तक का रेडियस होता है एटॉमिक रेडियस। इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर। ओके, पिकोमीटर मींस 10^-12 मीटर। It is measured in picometers. Atom size is very important of atoms because they are related to many other properties. Size is ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत relate करते हैं। The size of atoms decrease from left to right in a period. जो size of atom है वो decrease करती है left to right in a period, but increase from top to bottom. अब हमें देखा क्या यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब हम period में left से right flow करते हैं जाते हैं पीरियड में तब साइज डिक्रीज होती है, डिक्रीज। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ग्रुप में तो साइज इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? अब हमने देखा कि जो ऑक्सीजन का एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और जो आर्गन का एटम है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा अपनी ओर खींचेगा और उसका रिजल्ट होगा स्मॉल साइज। ओके, स्मॉल साइज, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स सारे इलेक्ट्रॉन्स पर, और जिसके कारण से जो एटम की साइज होगी वो छोटी हो जाएगी। यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर कम लगेगा जिसकी वजह से इसकी साइज इसके कंपैरिजन में बड़ी होगी। ओके, इसके कंपैरिजन में बड़ी होगी। अब हम ये तो साइज तो पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि है टेबल स्टडी करना है हमें, जिसमें दिया गया है। हम टेबल पढ़ते हैं जैसे कि 3 एटॉमिक नंबर होंगे वहां लिथियम का, 4 बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, तो यहां पर लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2, मैं यहां पर आउटर मोस्ट शेल में 1 लिख देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर उसकी एटॉमिक रेडियस दी गई है कि जैसे हमने आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ जिसकी वजह से 134 पिकोमीटर मींस साइज बड़ी हुई। अब जब आउटर मोस्ट शेल में 1-2 इलेक्ट्रॉन है मींस 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो साइज -40 हो रही है। देखो अप्रोक्स सिमिलर टू -40 हो रही है क्योंकि 134 तो हो गया 4 एंड 30 एंड 10 44, यहां पर 44 पिकोमीटर्स कम हो रही है सिर्फ ओनली बाय एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो साइज 82 हो गई। मींस आउटर मोस्ट शेल पे टोटल एटम्स में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी कम साइज। यहां पे फ्लोरीन आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है यहां, तो यहां पर उसकी साइज हो गई 72 पिकोमीटर जो कि बहुत कम होती है। इन द पीरियड the atomic number and therefore a positive charge on the nucleus increases gradually. Okay, तो यहाँ पर atomic number और positive charge में जितने ज़्यादा electron वो lose करेगा तो उसपे positive charge आएगा क्योंकि उसके पास electron है तो वो lose ही करेगा। As a result, the electrons attract more strongly and they come closer to nucleus. Okay, ये point note करना होगा। Therefore, the positive charge of the nucleus increases gradually. As a result, the electrons are attracted more strongly and they come closer to the nucleus. मतलब ज़्यादा electron है तो ज़्यादा strongly से nucleus की तरफ attract होगे and they come closer to nucleus. जिसकी वजह से जो कि size होगी decrease the atomic size in period from left to right.
In a group, as one goes down, the new shell is added to the atom, which is farther away from the nucleus. जब हम बात करें टॉप से बॉटम में ग्रुप में एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो एस्टेट यहाँ पर फ्लोरीन एग्जाम्पल अब जब हम बात करते हैं ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने की तो हमें पता है कि एक न्यू सेल ऐड हो रही है लेकिन सिमिलरिटीज वो है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम क्योंकि आटोमो शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जब पीरियड के टॉप पे होगा तो पीरियड के एंड तक उसके आटोमो शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ओके हेंस द इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दिस इंक्रीज है न्यू सेल एंड हो रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियस से सेल की एडिशन से जो आटोमो शेल होगा वो दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दिस इंक्रीज द साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम सिंपल लॉजिक था कि अगर न्यू सेल ऐड हो रहा है यहाँ पर न्यूक्लियस है ये एक सेल था पहले दो इलेक्ट्रॉन थे लेकिन अब और एक सेल ऐड हो रहा है तो ये पहले एटॉमिक रेडियस थी अब ये हो गई है लंबी वाली तो ऑब्वियस होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम है एक ही होगा मतलब वो यहाँ पर एक्स होगा तो एंड में भी एक्स होगा ओके तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए मीन्स सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन कम है एंड सेल एडिशन होने से ज्यादा दूर जाएगा न्यूक्लियस से जिसकी वजह से उसकी साइज बड़ी होगी जैसे कि हम लीना कर सबसे फरियाद कर हम ग्रुप देखे ग्रुप वन में तो एटॉमिक रेडियस 134 आती है लिथियम की देन जब हम बात करें सोडियम की एक सेल ऐड हुई तो हुई 154 देन यहाँ पर दो सेल ऐड हुई तो यहाँ पर 196 यहाँ पर तीन सेल ऐड हो गए तो 211 जो कि इंक्रीज इन साइज को इंडिकेट कर रही है ओके हमने पढ़ा था कि मेटल्स होते हैं ग्रुप यहाँ पर 5 1 2 3 2 ग्रुप 3 से वो मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स वाला सेक्शन था पूरा राइट साइड पे तो यहाँ पर उनके बेस पर भी मेटल्स एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर्स को भी चेक किया गया जिसकी वजह से फिर आगे जाकर हमें पता चला कि कुछ मेटलॉइड भी प्रेजेंट है फिर उसे मेटलॉइड नाम दिया गया द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटलिक कैरेक्टर जो भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे जो भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और खुद पे पॉजिटिव चार्ज होगा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ये हमें याद रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो जो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी शो करता है वो मेटलिक कैरेक्टर शो करेगा अल्कलाइन मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव ओके अल्कलाइन मेटल्स है द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अनायंस मींस नेगेटिव चार्ज आर नॉन मेटलिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट ओके अगर कोई एलिमेंट गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन और वो खुद पे गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उस पे जिसकी वजह से नॉन मेटलिक कैरेक्टर शो करेगा जो कि एक हिंट हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो मेटलिक कैरेक्टर शो करेगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर शो करेगा वेरिएशन ऑफ मेटलिक कैरेक्टर्स इन अ ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ओके जो भी मेटलिक कैरेक्टर है वो टॉप से बॉटम जाता है ग्रुप में टॉप से
से बॉटम जाता है तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है तो इजीली रिमूव हो जाएगा, लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। जितना पास इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का उतना डिफिकल्ट होगा उसे रिमूव करना, जितना दूर उतना इजी होगा रिमूव करना। ओके, तो यहाँ पर टेबल और एक कार्बन नॉन मेटल जो कि गेन करता है, नाउ सिलिकॉन मेटलॉइड, जर्मेनियम मेटलॉइड, टिन मेटल, पता है सब वेरिएशन ऑफ मेटालिक मेटालिक कैरेक्टर पीरियड। ओके, जो ग्रुप ने तो देखा कि टॉप से बॉटम जाते तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब पढ़ते हैं पीरियड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, This decrease the electron positive character and metallic nature. The variation of metallic character in the elements of third period is shown below. मतलब third period का example दिया गया है जो हमने study किया। Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. Okay. तो यहाँ पर जो sodium था वो metallic था, electron positive हो सकता था एक electron का outer most shell में। यहाँ पर magnesium के दो है, aluminium के पास तीन है, silicon के पास चार है। लेकिन जब फास्फोरस की बात है तो पांच आया, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव चार्ज होगा इसके। तो इस पर से हमें पता चला कि जब हम बात कर रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर्स की, तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए तो मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहा है, और जब हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे हमें याद रखना है कि कब कौन सा, बस ये टेबल आप याद कर लो, तो बहुत सफिशिएंट है। जब हम बात करें एटॉमिक नंबर की तो पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज करे। एटॉमिक साइज की बात करें तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाए तो डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और ग्रुप की बात करें टॉप टू बॉटम में तो इंक्रीज होगा साइज। ओके, मेटालिक कैरेक्टर बात करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी एबिलिटी बढ़ेगी, और जब हम ग्रुप की टॉप को बॉटम जाए तो इंक्रीज होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल दूर होगी इसलिए इजी होगा कि टू लूज अ लूज इलेक्ट्रॉन। सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर टू स्टॉप ही होगा डिक्रीज का इंक्रीज एंड इंक्रीज का डिक्रीज। तो ये टेबल सफिशिएंट है क्योंकि करना चाहिए फिंगर में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फोर्स इन पीरियड इंक्रीज, यहां पर इंक्रीज होगा। ओके, इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स डैश इन पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स डैश इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज, यहां पर इंक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाए तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये था हमारा इंडेक्स क्वेश्चन, तो पजल दी गई है। अब इफ यू हैव एनी डाउट इन एक्सरसाइज एंड मीनवाइल एनी क्वेश्चंस एंड यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, एंड इफ देयर इज नीड, इफ यू कांट डू सम क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वी कैन डू इट टुगेदर, इट विल बी मोर फेवरेबल। क्वेश्चंस आर मच सिंपल एंड जस्ट नीड अ लिटिल फोकस एंड गो थ्रू अ चैप्टर वंस एंड देन solid, it will be much beneficial to you and there will be income down. So our topic of our chapter is solution. So as you know what is solution, it is a mixture of solute and solvent. Hum padhne wale hain bidimensional solution, but there are various type of solution, jaise ki jisme do hum padh rahe hain wo hai bidimensional solution, jo bhi hum padhne wale hain बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट होता है। ओके, वी आर फैमिलियर विद द टर्म सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है या फिर मिक्स होता है, ओके। तो वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म। अब बाइनरी सॉल्यूशन के अलावा कौन से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि टर्शियरी हो गया, जैसे जिसमें दो सॉल्वेंट हो गए, दो सॉल्यूट हो गए एंड एक सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट विल बी ओनली वन। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि वो एक सॉल्वेंट एंड एक सॉल्यूट होगा, और हमें वो भी पता है कि जो भी स्टेट होगा सॉल्यूशन का, जो भी स्टेट होगा सॉल्यूशन का मींस आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन, जैसा कि सॉल्ट एंड वाटर या फिर शुगर एंड वाटर को हमने मिक्स किया, उसके बाद जो सॉल्यूशन का स्टेट हुआ वो डिपेंड करेगा व्हाट इज स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स मींस कौन सी चीज है जो सॉल्यूशन को बनाती है। तो सो व्हेन वी पुट शुगर इनटू वाटर इट डिसॉल्व्स लाइक टू फॉर्म सॉल्यूशन, जब पता है अगर हम वाटर में शुगर ऐड करें तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा शुगर सॉल्यूशन। सो इन ऑल सच सॉल्यूशंस वाटर इज सॉल्वेंट एंड व्हिच डिसॉल्व आर द, जो डिसॉल्व हुआ है वो सॉल्यूट है। यहां पर ऑलरेडी नोटेड, यहां पर ये इक्वेशन भी हमें पता है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, भले हमें पता हो कि क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्यूशन है, लेकिन हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए। तो यहाँ ये रही हमारी सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, हमने पढ़ा कि सॉल्वेंट एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, वो हमारा टॉपिक ही उसी पर है कि कंपोनेंट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट हैज सेम फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एज सेम एज सॉल्यूशन इटसेल्फ, जो भी सॉल्यूशन का स्टेट है वही स्टेट वाला एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट जिसे कहते हैं। एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। तो यहां पर हमने डेफिनेशंस पढ़ी। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जो कि कंसंट्रेशन को कुछ टर्म्स जैसे कि मोलैरिटी, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी, देन मोल फ्रैक्शन, ऐसे कुछ टर्म्स है जिसे हमने पहले नाम सुना होगा, लेकिन अब हम डीप में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी टर्म्स है जो डिफाइन करती है कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन जब हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन विच डिफाइंस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। तो ये हो गई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो पहली टर्म है हमारी मोलैरिटी, मोलैरिटी। मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ओके, डिसॉल्व्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मींस हमने 100 शुगर सॉल्यूशन फॉर्म किया, अगर हमने शुगर सॉल्यूशन फॉर्म किया तो हमने शुगर के कितने मोल्स ऐड किए पर कितने लीटर वाटर, ओके। एक जाके हम मान ले कि वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है, तो 1 लीटर सॉल्वेंट में हमने कितने मोल, हमने हाउ मेनी मोल्स आर एडेड, ओके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का और डिनोट करेंगे हम एन से, एन डिवाइड बाय पर नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ डिसॉल्व पर लीटर ऑफ वॉल्यूम और लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो लीटर ये होगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन बना के 2 लीटर का सॉल्यूशन हो रहा है, तो 2 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है शुगर के, ओके।
जब हम सुपर सॉल्यूशन की बात करते हो। समझ में आया? जैसे कि 2 लीटर सॉल्यूशन बन रहा है हमारा, तो 2 लीटर सॉल्यूशन में शुगर के कितने मोल है उसे हम कहेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ शुगर, सॉरी मोलैरिटी ऑफ ऑफ सॉल्यूशन। तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा, डेल्टा मोलैरिटी, यहाँ पर लिख दे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, सॉल्यूशन इन लीटर। तो जैसे जैसे हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये और क्लियर होगा कि व्हाट एक्चुअल द मोलैरिटी इज। ओके, तो यहां पर हमें पहली टर्म था नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको डाउट हुआ होगा कि यहां पर हमने कह तो दिया कि वॉल्यूम तो हमें दिया होगा सॉल्यूशन का मिलीलीटर में दिया होगा, तो हम लीटर में चेंज करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करें। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हम एग्जांपल लेते हैं H2O का। H2O तो यहाँ पर H2O का होता है 18 ग्राम। ओके, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास mm ऑफ ऑक्सीजन H2O लिया था, H2O इज 18 ग्राम। ओके, और हमने एक मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक कंटेनर में वाटर शुगर लिया हुआ है, शुगर, और उसमें वाटर डाल रहा है। ओके, मीन शुगर सॉल्यूशन बना रहा है। तो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का। तो यहां पर 18 ग्राम हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास वाटर का। अगर हम कहें कि मैंने 50 ग्राम वाटर लिया, तो 50 ग्राम वाटर लिया तो कितने मोल्स हो गए एक्चुअल वाटर के। ओके, तो यहां पर मास इन ग्राम हुआ, मास ऑफ वाटर इन ग्राम, तो यहां पर 50 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हो गया उसका 18। तो यहां पर 50 डिवाइडेड बाय 18, तो यहां पर 25 9, तो यहां पर 25/9, तो ये हो गया उसका नंबर ऑफ मोल्स। ओके, 25/9 मोल्स यहां पर हो गया वाटर के। वो क्वेश्चंस करेंगे तो और वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 मोल ऑफ H2SO4 to make a water solution. Molarity of solution changes its temperature because the expansion or contraction of the solution. Don't mind it. Next, हमें formulas याद रखना है, हम लिखते जा रहे हैं यहाँ पर molarity. Molarity is equal to number of moles divided by volume of solution in liter, where is equal to n by v in liter. So yahan par n is equal to mass in gram by molecular mass. Okay, ये हो गया हमारा first था molarity. और next is molality. Molality is defined as number of moles of solute per number of solvent in kg. Okay, solvent in kg. Molarity is defined as number of moles of solute dissolved per kg of solvent. Okay, dissolved per kg of solvent means यहाँ पर हम देखें
केजी ऑफ सॉल्वेंट मींस यहां पर मोलैरिटी स्मॉल एन से डिनोट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस यहां पर एन डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी, याद रखना है सॉल्वेंट इन केजी है मोलैरिटी में, और यहां पर सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, ओके यहां पर सॉल्वेंट इन केजी पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ओके नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा एग्जांपल्स। आगे हमारा पहला मोलैरिटी का एग्जांपल, तो यहां पर हमने क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द मोलैरिटी, ओके मोलैरिटी कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ओके 32 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल, यहां पर क्या दिया गया है मिथाइल अल्कोहल में CH3OH, फटाफट से उसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पर हो गया 12 कार्बन का 1, 2, 4 हाइड्रोजन मींस 4 और ऑक्सीजन का 8, 16, 10, 12, तो यहाँ पर हो गया 32 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास मींस यहाँ पर 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया उसका 32 ग्राम और दिया है कितना ओके और 0.2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हुआ, तो यहां पर हम देखेंगे कि आंसर होगा गेट इट ना दैट 1 मोल हो गया 32 ग्राम बाय 32 मासिंग ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास मींस यहां पर हमें n मिल गया n इज इक्वल टू 1 एंड सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहां पर हमें मिलीलीटर में दिया गया तो हमने लीटर में कन्वर्ट किया तो 0.2 लीटर आया 2 लीटर हुआ, तो यहां पर 0.2 लीटर हमने लिखा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम, ओके तो यहां पर हुआ 10 डिवाइडेड बाय 2 होगा यहां पर क्योंकि यहां पर 10 तो यहां पर हुआ 10 डिवाइडेड बाय 2 मींस 5, तो यहां पर मोलैरिटी हुई 5, ओके यहां पर 5 मोलैरिटी हो गया, क्लियर ऑफ मोलैरिटी का फंडा। अब नेक्स्ट इज मोलैरिटी, हम मोलैरिटी को हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट सॉल्वेंट इन केजी, ओके इन केजी, तो यहां पर हमें दिया गया है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 50% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास, ओके तो यहां पर कहा गया कि डेंसिटी P इज इक्वल टू 1.20 हुआ 1.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 50% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पर डेंसिटी में सॉल्यूशन में 50% है 50% सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बाय मास, ओके बाय मास, तो पहले तो हम सल्फ्यूरिक एसिड का सर्च करेंगे वो मोलर मास, ओके मोलर मास होता है H2SO4 तो 16 × 4 = 64 H2 और सल्फर का 35.5 समथिंग 35 लेते हैं 9 + 2 = 82 ना क्लोरीन का 35.5 होता है सल्फर 14 एंड 18 तो यहां पर 64 है 32 होगा
तो 4 + 4 = 8 एंड यहाँ पर 98 हो गया, 98 हो गया हमारा। तो यहाँ पर mm हुआ हमारा, मोलर मास हुआ 98 ग्राम पर मोल। तो हमें कहा गया है डेंसिटी है 1.20, डेंसिटी है 1.20 ग्राम, ओके 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ओके ये हमारा फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो तो यहाँ पर हमें दिया गया डेंसिटी है 120 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लीटर में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर हमें पूरा सॉल्यूशन का 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम, ओके 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ग्राम। तो हम सिंपली 1.20 पर इनटू करेंगे 1000 से, तो हमें मिलेगा ग्राम में, ओके तो हमें मिलेगा ग्राम में 1200। तो 1200 ग्राम हो गया हमारा मास, ग्राम हो गया हमारा मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, ओके मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन हो गया हमारा 1200 ग्राम। तो मैं लिखा था मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन योर 1200 ग्राम देन मोलर मास। क्वेश्चन में सब पहले फाइंड कर देना है, फिर फॉर्मूला में पुट करना है कि ये ग्राम, ओके और हो गया। एंड अब हमें पता कहा कि 50% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 50% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास मींस 50 ग्राम हो गया, 50% मींस 100% मींस 100 ग्राम एंड उसका 50% मींस 50 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 50 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर जब हम मास फाइंड करें मींस हमें कहा कि मास जब अब हम फाइंड करें 1 लीटर से, यहां पर 1 लीटर में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। तो हमें चाहिए 100 ग्राम में तो 50 में कितना मींस 100 में 1200 है तो 50 में कितना, तो यहाँ पर होगा 50 × 1200 डिवाइड बाय 100 में हमारे कट हो जाएगा, कट कर देगा 600 के। तो यहाँ पर हुआ हमारा फाइनल 600 ग्राम मास ऑफ H2SO4, टोटल मास फाइंड किया मास ऑफ H2SO4 इन 1200 ग्राम, इन 1200 ग्राम इज 600 ग्राम। तो 600 ग्राम मिल गया तो मास इन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं, ओके तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए मास इन ग्राम इन 600 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास हो गया 98, ओके यहां पर नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएंगे, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स हो गए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर होगा 4900, ओके तो यहां पर तो सॉल्व किया नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां पर डायरेक्ट पुट अप ही किया है 600 × 98। जब हम मोलैलिटी की बात करें तो मास ऑफ वाटर कितना था हमारे पास 600 ग्राम, ओके 600 ग्राम। तो यहाँ पर 600 ग्राम, तो यहाँ पर हम मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर हमारा हो गया 600 × 98 × 1000 / 600, ओके क्योंकि यहाँ पर 600 ग्राम है और हमें सॉल्वेंट को केजी में लेना है, तो यहाँ पर केजी के लिए ऊपर 1000 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 600 कट, तो यहाँ पर 1000 / 98, तो यहाँ पर समथिंग 9.68 होगा, ओके सेम 1000 / 98 हमारा होगा 6.8 मोलैलिटी, ओके तो यहाँ पर तब क्लियर हो गया मोलैलिटी का फंडा। तो यहाँ पर यहाँ तक हमने दो पढ़ा, वहां पर मोलैलिटी लिख लेते हैं। मोलैलिटी मींस स्मॉल एम, तो मोलैलिटी का यहाँ पर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ओके तो ये हो गया मोलैलिटी का। सेम एन इज इक्वल टू मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास,
Next is normality. Normality. Normality is another concentration unit. It is defined as defined number of gram equivalent weight of solute dissolved per liter of solution. Okay? Number of gram equivalent weight means number of gram equivalent divided by dissolved per liter solution. Per liter solution. Normality. The number of parts by weight of substance that will combine or display directly or indirectly 1.00 parts by weight of hydrogen and 8 parts by weight of oxygen and 35.5 weight of chlorine is known as equivalent weight. Means यहाँ पर जो कि मोलार मास होगा वो ही उसका मोस्ट ऑफ टाइम इक्विवेलेंट वेट होगा. लाइक एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट इज आल्सो नंबर. हेंस नो यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इक्विवेलेंट वेट. का कोई नंबर नहीं होता, उसे यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है. हाउएवर व्हेन इक्विवेलेंट वेट इज एक्सप्रेस इन ग्राम इट इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस. ओके, इक्विवेलेंट वेट का यहाँ पर फॉर्मूला में लिख दिया गया है. एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर हो गया एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट मींस मास मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी. वैलेंसी मींस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. इफ लेस देन 4 एंड इफ ग्रेटर देन 4 देन 8 माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल गिव द वैलेंसी. ओके, नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड की तो मोलर वेट डिवाइड बाय बेसिस इक्विलिब्रियम याद रखना है कि इस तरह से बेसिक और एसिड एसिड एसिडिटी और बेसिडिटी का भी फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट एसिडिटी ऑफ बेस बेस की जब बात करें तो मोलर वेट डिवाइड बाय एसिडिटी. यहां पर एसिडिटी कुछ नहीं लिखी है, यहां पर एसिडिटी मींस एच पॉजिटिव आयंस, बेसिडिटी मींस ओएच नेगेटिव आयंस. ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट. ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट की जब बात करें सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, प्लस और नेगेटिव दोनों मिलकर बनाता है. तो मोलर वेट डिवाइड बाय टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल आयन के मेटल के एटम पर जितनी वैलेंसी होगी वो होगा या उसको डिवाइड करना है मोलर वेट के साथ. ओके, मोलर वेट को टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल आयन के साथ डिवाइड करना है. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट मे हैव डिफरेंट इक्विवेलेंट वेट्स इफ दे रिएक्ट टू गिवन प्रोडक्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन. तो जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है वो कंडीशन वाइज अपनी इक्विवेलेंट वेट को चेंज कर सकता है. द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सच सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिएक्शंस इन व्हिच दे टेक पार्ट. ओके, वेज नॉर्मेलिटी है हमारी. अब जब हम बात करें इक्विवेलेंट वेट की तो हमने ऊपर पढ़ा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट. जब इक्विवेलेंट वेट की कोई यूनिट नहीं है लेकिन जब फिर भी हम उसे ग्राम में जब कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हो गया ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो यहाँ पर इन लीटर है. तो जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली लीटर लेंगे तो पर थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे. दस नॉर्मेलिटी का मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूशन. यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट को हमने डिनोट किया मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूशन. जो हमने ऊपर यहाँ पर सारे पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट वेट बेस डिफरेंट चीजें कैसे फाइंड करते हैं हमें याद रखना होगा. ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इन लीटर जो कि इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन. जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन हो गया मोल का फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन मोल का प्रेजेंट है. मींस x हो गया हमारा x हो गया मोल फ्रैक्शन का डिनोट करते हैं x a मींस a हो गया सॉल्यूशन. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं a का कि एक सॉल्यूशन में सब्सटेंस a के कितने मोल फ्रैक्शन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b मींस सॉल्यूशन का सॉल्यूशन के टोटल मोल्स कितने हैं. तो यहाँ पर जब हम बात करें कि अल्कोहल एंड वाटर के जो मिक्सर बन रहा है तो उसमें 2.5 मोल्स ओके 2.5 एंड 3.5 ऑफ वाटर यहाँ पर फाइंड है. तो टोटल नंबर मोल्स ऑफ कंपोजिशन इन कंटेंट 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल. यहाँ पर कहा गया एक सॉल्यूशन में
टू मोल्स ऑफ अल्कोहल है एंड थ्री मोल्स ऑफ वाटर है, तो उसका मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का होगा, देखो टू मोल्स ऑफ अल्कोहल, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 होगा मींस 2 बाई 5 अल्कोहल का हुआ एंड 3 मोल्स ऑफ 3 बाई 5 वाटर का होगा। ओके नीचे तो पूरे सॉल्यूशन का ही मोल्स लिखना है। मास परसेंट मींस मास परसेंट इज द मास ऑफ सॉल्यूट मींस 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास बटे मास ऑफ सॉल्यूट के 1000 ग्राम में कितने परसेंट, जब 1x हो तो x को हमें कन्वर्ट करना है 1000 ग्राम में और 1000 ग्राम में से कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो फाइंड करना है। मींस 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ केवीएनएफ 4 इज प्रेजेंट, मींस 5% सॉल्यूशन ऑफ केवीएनएफ 4 इज प्रेजेंट इन वाटर। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि 5 ग्राम ऑफ केवीएनएफ 4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। ओके ओके तो एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन कंटेन्स 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर हो गया 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो पहले तो इसका मोलर मास फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ रहा है 2 मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल आ रहा है 1 मोल। ओके 2 मोल एंड 1 मोल, तो 2/3 1/3 हो गया, 2/3 एंड 1/3 हो गया यहां पर मोल फ्रैक्शंस ऑफ फोर कंपोनेंट ईच। दिस इज द इंडेक्स कट लेंस लिस्ट द वेरियस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके तो डिफाइन करना है मोलैरिटी नॉर्मैलिटी मोलैलिटी। ओके तो यहाँ पर हमारा टॉपिक 7.1 फिनिश होता है। हमें ये एग्जांपल अभी कर रहे हैं थोड़ी देर में, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद एसिडिटी और एसिडिटी सब कर दीजिएगा, तो एक बार आप फॉर्मूलाज देख लो फिर एग्जांपल एक साथ सॉल्व करेंगे।